स्क्रीन सब लोग, स्क्रीन विजिबल है ना सबको? स्क्रीन दिख रही है बोल? ओके बोजन, जो स्क्रीन दिख रही है ना आप लोग को? यस सर। ओके ठीक, ओके। नाउ थर्ड यूज इज टू डिराइव एनी फिजिकल फॉर्मूला, टू डिराइव एनी फिजिकल फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले को डिराइव करना, फिजिकल फॉर्मूला। जैसे मैं आपको एक क्लू दे दूं कि ये जो फॉर्मूला है ना, ये डिपेंड करता है, लेट्स से अगर मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो लेट्स से आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, लेट्स से मैं तुमको और एक हिंट दे देता हूं। हाँ, लेट्स से इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी, कोई बॉडी मूव कर रहा है, मूविंग बॉडी, मैं क्लू दे देता हूं, इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ बॉडी एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी m एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी v। तो आप कहेंगे ये तो फॉर्मूला हमको मालूम है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ठीक है डिराइव करके देख लेते हैं। फाइंड फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैं इक्वेशन ऐसे ले लेता हूं, तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी का है ना, वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। पहले बताओ क्वेश्चन आपको समझ में आया? बोजन गर्ल्स, हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन फर्स्ट? ये रीड कर लो, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, फाइंड द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। सो एवरीबडी अंडरस्टूड द क्वेश्चन पार्ट? यस सर। ओके, अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पे। तो आप एग्जाम में कैसे करेंगे? जो डेरिवेशन करना है ना, किस लेट से काइनेटिक एनर्जी, उसको प्रोपोर्शनल करके लिखना। उसने बोला मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये तो नहीं बताया कि कैसे डिपेंड करता है, ठीक है? सो हम लोग क्या कर लेंगे, इसकी पावर एक्स ले लेंगे, इसकी पावर वाई ले लेंगे। हमको स्टार्टिंग में सपोज फॉर्मूला नहीं मालूम, तो उसने बस हिंट दे दिया था कि जो काइनेटिक एनर्जी बॉडी है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो हमने उसकी पावर x और y रख दी। पावर में भी एनीथिंग 2, 1, 3, -1 कुछ भी हो सकता है। अच्छा, प्रोपोर्शनल का साइन जाता है तो हमेशा कांस्टेंट आता है, याद रखना। तो कांस्टेंट आता है, दैट इज k, मास x, वेलोसिटी y, ठीक है? अब आप क्या करो, क्योंकि इक्वल टू का साइन बीच में लगा हुआ है, तो दोनों तरफ के डायमेंशन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन लिख देंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड पे मास और वेलोसिटी का डायमेंशन लिख देंगे। तो एक काम करते हैं, हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं। तो एनर्जी का डायमेंशन क्या था? यस, वर्क डन, या एनर्जी का डायमेंशन क्या होता था, याद आया? वर्क या फिर एनर्जी का डायमेंशन क्या होता था? व्हाट द डायमेंशन, जस्ट टेल मी, वर्क या एनर्जी का डायमेंशन क्या था, चेक करिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन यहाँ पे रख देंगे, m1 l2 t-2, हो गया, इट्स ओके। कॉन्स्टेंट एक नंबर है, कॉन्स्टेंट का हैविंग नो डायमेंशन, वो तो नंबर होता है, उसका डायमेंशन नहीं होता, k को छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे उसको, ठीक है। मास रह गया, मास को m लिख देंगे, उसकी पावर तो x है। अब वेलोसिटी रह गया, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या था, वेलोसिटी का डायमेंशन था, दैट इज वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी का डायमेंशन था, दैट इज l1 t-1, ठीक है। अब हम ये यूज कर लेंगे, तो अब हम लोग वेलोसिटी लिख देते हैं, l1 t-1 raised to power y। तो देखो हमने क्या किया,
जो भी उसने इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया था ना उसको प्रोपोर्शनल करके लिख दिया और उसकी कुछ पावर अज्यूम कर लिया, लेट्स उसकी पावर एक्स है और वेलोसिटी पावर वाई, ऐसे कर लिया। फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप सबका डायमेंशन लिख दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एम वन एल टू डी माइनस टू, ये पावर अंदर आ जाएगा, इसकी पावर वन है तो क्या बन जाएगा, एक्स बन जाएगा, और ये भी पावर वाई को मतलब ब्रैकेट के अंदर ले आइए तो एल वाई टी माइनस वाई, ऐसे हो जाएगा। नाउ अगेन एम वन एल टू टी माइनस टू, अब हम लोग सब एक साथ लिख देंगे, एम एक्स एल वाई टी माइनस वाई। ठीक है, अब तुम क्या करो, दोनों तरफ इक्वल टू लगा, मतलब बीच में इक्वल टू लगा है, इसका मतलब दोनों अगर इक्वल टू लगा हुआ है तो इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल होंगे। तो एक काम करो, सबकी पावर्स को कंपेयर कर लो, तो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम, तो हम पावर्स को कंपेयर कर लेते, तो पावर को कंपेयर करो, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मास की पावर वन है और राइट हैंड साइड पे मास की पावर एक्स है, तो मास की पावर कंपेयर कर लेंगे, तो देखो इसकी ये इसको इससे कंपेयर कर लेंगे, दिस वन हियर, आर यू गेटिंग, तो मास की पावर वन है इधर, एक्स की पावर एम की पावर एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी ना, दोनों मास की पावर को कंपेयर किया, और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो भी टू हो जाएगी, तो आ गया ना हमारा फॉर्म डेरिवेशन। अब हम क्या करेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे, अब हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिल गई, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला है ना दिस वन हियर, तो हम लोग लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर वन, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या आ गया, क्या था, कॉन्स्टेंट के एम रेज टू पावर एक्स एंड वेलोसिटी रेज टू पावर वाई, तो काइनेटिक एनर्जी के मास वन वेलोसिटी स्क्वायर, हमें एक यहाँ पे एक लिमिटेशन है, कांस्टेंट नहीं मिल पाता है, कांस्टेंट हमको नहीं मिल पाता है क्योंकि डायमेंशन कांस्टेंट को डील नहीं कर पाता, तो बाद में जब बाय एक्सपेरिमेंट तो या बाय थ्योरी कांस्टेंट की वैल्यू 1/2 आती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम में आप ऐसे लिख देंगे तो भी चलेगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, हाफ एम v square, तो कांस्टेंट नहीं मिल पाता, ये उसकी प्रॉब्लम है डायमेंशन की, कि आप कितना भी कर लीजिए आपको कांस्टेंट नहीं मिल पाएगा, तो अगर एग्जाम में अगर भी आता है तो आप अगर ऐसे भी लिख देंगे, मतलब लास्ट वाला ये वाला स्टेप भी छोड़ देंगे ना, इट्स ओके, आंसर ये भी चलेगा, टीचर को समझ में आ जाता है कि कांस्टेंट नहीं निकाल सकते ना डायमेंशन से, तो ये मेथड समझ में आया, हैव यू अंडरस्टूड द मेथड, आई हैव टेकन वेरी स्मॉल एग्जांपल, कॉपी ऑन दिस मेथड, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप करके बताइएगा मुझे, ठीक है, जस्ट कॉपी इट, माइक बंद कर, क्या ना अच्छा आर्यन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी एक्चुअली हम लोग आज डायमेंशन का जो लेट आए उनके लिए बता रहे हैं, बाकी लोग कॉपी कर ले, हम लोग डायमेंशन का थर्ड यूज कर रहे हैं, डायमेंशन का थर्ड यूज क्या है कि हम लोग किसी भी फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्लू मालूम होना चाहिए कि वो डिपेंड किस पे करता है, तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन देखिए, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, मास पे और वेलोसिटी पे, फॉर्मूला डिराइव करिए, तो उसने तुमको हिंट दे दिया कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है, डिराइव फॉर्मूला डिराइव करो, तो आप क्या करेंगे, फिर आप काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मास प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कर देंगे, लेकिन उसकी कुछ पावर ले लेना एक्स एंड वाई, फिर क्या करना है, दोनों तरफ सबके डायमेंशन लिख दो, एनर्जी मास वेलोसिटी सबके डायमेंशन लिख लो, फिर सॉरी एक्स और वाई को जो है ना ब्रैकेट के अंदर ले आओ,
फिर दो लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ना पावर्स को कंपेयर कर लो, ठीक है, मास की पावर को मास से कंपेयर कर लो, एल की पावर को एल की पावर से कंपेयर कर लो, फिर आगे एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी ना, तो फिर उसको फिर मेन फॉर्मूले में रख देना। इज इट क्लियर? तो मैं क्वेश्चन और देता हूं आपको, दो तीन क्वेश्चन कराता हूं, आपको समझ में आएगा। आपने कंप्लीट कर लिया तो मुझे बताइएगा, फिर मैं एक और एग्जांपल लेकर समझाता हूं। Just a second. Yes. Have you completed? Yes, sir. अच्छा ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन लेकर आपको समझाता हूँ, ठीक है? Let's see. अच्छा ठीक है, जस्ट सी, कैन स्क्रॉल इट डाउन। अच्छा ठीक है, सी हाँ आपने कर लिया ना, सेकंड क्वेश्चन करें क्या? अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं। सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स सुना तो जरूर होगा टेंथ में। सेंट्रीपेटल फोर्स ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ऑफ ए पार्टिकल, मैं हिंट दे रहा हूं, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन डिपेंड्स ऑन, depends on mass of body m, mass of body m, velocity of body v, velocity of body v and radius of circle r, and radius of circle r। मतलब उसने तुमको हिंट दे दिया, ठीक है, कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स जो एफ है वो तीन बातों पे डिपेंड करता है, मास, मास ऑफ द बॉडी, जैसे आपने पढ़ा होगा ग्लोबल स्टैंड जी के, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, ध्यान दो, जब कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन करता है, लेट मी स्क्रॉल इट डाउन, हाँ यस, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर मोशन करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है, जैसे सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ होता है, टूवर्ड द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ होगा फोर्स, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं, फोर्स टुवर्ड द सेंटर। अच्छा वेलोसिटी जो होता है वो हमेशा टेंजेंट होता है, वेलोसिटी इज
टेंजेंट टू द सर्कल, वेलोसिटी इस तरह से होता है, और रेडियस तो आपको मालूम है, रेडियस क्या होता है, रेडियस तो इसका सर्कल का रेडियस हो जाएगा, दैट इज आर, ठीक है। तो फोर्स जो, अच्छा एम ले लेते हैं मास ऑफ द पार्टिकल, तो उसने क्या बोला कि इस सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। सुना है आपने सेंट्रीपिटल फोर्स, 10 में सुना होगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया गया था, ठीक है। तो ये फोर्स है एक्चुअली वो डिपेंड करता है थ्री थिंग्स पे, मास पे, वेलोसिटी पे, रेडियस पे। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, सी ये जैसे हमने पहले बताया था वैसे ही करेंगे कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू क्या करेंगे, मास रेज टू पावर एक्स, वेलोसिटी रेज टू पावर वाई, रेडियस रेज टू पावर जेड। फर्स्ट स्टेप समझ में आया, बॉयज एंड गर्ल्स हैव यू अंडरस्टूड द फर्स्ट स्टेप? यस सर। ओके, तो प्रोपोर्शनल का साइन जाएगा, यू विल गेट अ कांस्टेंट के, मास रेज टू पावर एक्स, वेलोसिटी रेज टू पावर वाई, रेडियस रेज टू पावर जेड। अब हम क्या करेंगे ना, दोनों तरफ जितनी भी क्वांटिटीज है सबके डायमेंशन लिख देंगे, ठीक है। तो फोर्स आ जाते हैं, फोर्स का डायमेंशन हम अपनी लिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने कराया हुआ था, m1 l1 t-2 रहता है, ठीक है। ये फोर्स का डायमेंशन होगा, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, उसका नंबर इग्नोर करो ना। अब m पे आते हैं, मास का m हो जाएगा, वेलोसिटी का l1 t-1 है y, और रेडियस तो लेंथ होती है, रेडियस इज अ लेंथ, तो लेंथ का l z। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने फोर्स का डायमेंशन लिखा, k नंबर है उसको इग्नोर करेंगे, मास m ले लिया, वेलोसिटी l1 t-1 उसकी पावर y है, रेडियस, रेडियस इज अ लेंथ, वो तो लेंथ होता है, तो लेंथ रेज टू पावर z। अब हम लोग क्या करेंगे ना, एक्स वाई जेड को ब्रैकेट के अंदर ले, ठीक है। तो ये हो जाएगा m1 l1 t-2 mx ly t-y और इधर होगा lz। अब क्या करेंगे ना, m वाले l वाले t वाले सबको एक साथ कर लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो ऐसे कॉपी होता रहता है, t-2 मास, तो आई थिंक सिर्फ एक्स रहेगा, एल कितने हैं, एल वाई है और जेड है, वाई प्लस इंडाइसेस लग जाएगा ना, इसकी एल की पावर वाई है और इसकी एल की पावर जेड है, तो दोनों को मिलके क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड, ठीक है ना, ये हुआ। अच्छा, और टी जो है वो माइनस वाई है, ठीक है। अब कंपेयर कर लेंगे दोनों तरफ पावर्स, तो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ मास, लेंथ, टाइम, सबकी पावर को कंपेयर कर देते, तो कंपेयर करते हैं हम लोग, तो मास की पावर यहाँ पे x है, लेफ्ट हैंड साइड पे मास की पावर 1 है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी ना, और l की पावर y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, और राइट t की पावर क्या है, माइनस y इज इक्वल टू -2, एक्स वाई जेड, एक्स तो निकल गया, वाई भी निकल जाएगा, तो जेड कितना आ जाएगा, जेड कितना आ जाएगा बच्चे, वाई निकल गया 2, तो वाई 2 हो गया, तो जेड कितना हो जाएगा, तो जेड की वैल्यू 1 - 2, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी -1। तो इस तरह से हमने एक्स वाई जेड, मतलब 3 इक्वेशन बन जाएगी ना तुम्हारी, मास की पावर को कंपेयर करोगे, लेंथ की पावर कंपेयर करोगे, टाइम की पावर को कंपेयर करोगे, लाइक दिस। तो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। अब हम एक्स वाई जेड की वैल्यू रख देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यूजिंग इक्वेशन 1, फोर्स इज इक्वल टू के मास एक्स, वेलोसिटी वाई, रेडियस जेड। तो लिख देते हैं के कॉन्स्टेंट है, के तो मास 1, वेलोसिटी 2, रेडियस -1, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एफ इज इक्वल टू के, के की वैल्यू 1 आती है बाय एक्सपेरिमेंट, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का।
इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लेकिन दिया देना चाहिए कि वो किस पे डिपेंड करता है बेसिकली। कॉम्पिटेंट दिस वन, समझ में आया आपको ये सोल्यूशन? बॉयज एंड गर्ल्स गॉट इट ना एवरीबॉडी? यस सर। जस्ट कॉपी इट और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ट्राई टू डू दैट क्वेश्चन। हेलो हेलो, प्लीज एंटर योर प्रॉपर नेम। समबडी इज एंटरिंग विद सब द सिंबल्स। नाम अपना नाम चेंज करिए। थर्ड क्वेश्चन पे आए क्या आप लोग? करेंगे इसको ट्राई, लेकिन कॉम्पिटेटिव में ऐसा नहीं आता है, कॉम्पिटेटिव में थोड़ा अलग टाइप का आता है ये, तो मतलब स्कूल लेवल पर। तो आपको कॉम्पिटेटिव वाला क्वेश्चन बताऊं, थर्ड वन इज बॉयज एंड गर्ल्स। ओके, हाँ तो नीट और जेई में ऐसा आता है। सी हियर, वहां पे सपोज कर लो कि उन्होंने ऐसे कुछ अज्यूम कर लिया, इफ प्रेशर पी, ए प्रेशर पी कुछ भी ले लेते हैं, वेलोसिटी वी, एंड टाइम टी एंड टाइम टी इज टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, इज टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक्चुअली फंडामेंटल है नहीं, आप कहेंगे सर ये तो फंडामेंटल नहीं है, आपने तो फंडामेंटल हमको कुछ और ही सिखाया था। हाँ क्वेश्चन में अज्यूम कर लेते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, फंडामेंटल मैंने याद है सेवन फंडामेंटल बताया था, लेंथ मास टाइम
करंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, वही फंडामेंटल थे और तो नहीं थे। इसमें अज्यूम किया गया, वो अज्यूम कर सकते हैं क्वेश्चन में, इसमें आप क्वेश्चन नहीं कर सकते कि यस फंडामेंटल तो है नहीं, क्वेश्चन रॉन्ग है, नहीं उसने दे दिया, ठीक है, दे हैव मेड, दे मेड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ठीक है, लाइक दिस वे, देन फाइंड फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फॉर्मूला ऑफ फोर्स एफ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, सॉरी टाइम। तो उसने क्या बोला कि देखो, उसने बोला कि प्रेशर पी, वेलोसिटी भी, टाइम पी अगर हम ले लेते हैं, लेट्स, तो ये बताइए कि जो फोर्स होगा ना एफ, वो अगर मैं फोर्स को प्रेशर वेलोसिटी और टाइम के टर्म्स में अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो फॉर्मूला कैसे बनाएगा? तो क्वेश्चन समझ में आया ये वाला क्वेश्चन आपको, कि मतलब फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें डिराइव करना है, लेकिन उसके आगे क्या आना चाहिए, प्रेशर वेलोसिटी एंड टाइम। तो ठीक है, जैसे हमने मेथड सीखा है वैसे ही करेंगे, सी हियर। तो ठीक है, मुझे फोर्स का फॉर्मूला चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो वो क्या करते हैं ना, हमेशा कुछ ना कुछ फंडामेंटल ले लेते हैं, प्रेशर वेलोसिटी टाइम कुछ भी ले लेंगे, और उसके बोलेंगे कि फॉर्मूला डिराइव करो, ठीक है, ओके। तो हम क्या करें, कुछ नहीं, जैसे फोर्स लिया है मैंने सबके रिस्पेक्ट में लिख दूंगा, प्रेशर रेज टू पावर एक्स, वेलोसिटी रेज टू पावर वाई एंड टाइम रेज टू पावर जेड। तो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशन लिख देंगे, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, एम वन एल वन टी माइनस टू, कॉन्स्टेंट के आ जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है, यस चेक करके बताओ, प्रेशर का डायमेंशन व्हाट इज द डायमेंशन फॉर प्रेशर, मालूम है एल वन टी माइनस वन और टाइम का टी हो जाएगा। अब अपने से कंप्लीट करो, जैसे मैंने मेथड बच्चे ट्राई टू कंप्लीट योर सेल्फ, अब अपने से कंप्लीट करने की कोशिश करिए, चलिए अपने से करिए, मैंने दो बार बताया, अब ये वाला आप करिए, आप x को अंदर लाइए, y को अंदर लाइए, फिर दोनों तरफ की पावर को कंपेयर करिए, फिर आप रख दीजिए उसको पिछला इधर। ट्राई योर सेल्फ, आई एम गिविंग वन मिनट। यस बॉयज एंड गर्ल्स, डिराइव किया क्या आप लोगों ने, दोनों तरफ की पावर को कंपेयर कर लो, उसमें क्या है, एम वन एल वन टी माइनस टू, एक्स को अंदर ले आइए, एम एक्स एल माइनस एक्स टी माइनस टू एक्स, ठीक है हो गया, और फिर वाई को अंदर ले आइए, एल वाई, हाँ क्या आया, माइनस वन शायद आप ठीक बोल रहे हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास आंसर नहीं है, मैंने ऐसे ही ले लिया था, ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। तो ये t की वैल्यू z हो गई, ठीक है, तो दिस वन m1 l1 t माइनस टू, ये हो जाएगा m, m तो x है, l दो जगह, तीन जगह नहीं, l दो जगह पे आ रहा, माइनस एक्स प्लस वाई,
और टाइम जो है वो भी टाइम तो थ्री प्लेसेस पे आ रहा है, माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। हाँ ये आ गया। अब दोनों तरफ की पावर्स को कंपेयर कर दे, कंपेयरिंग पावर्स ऑफ एम एल टी, पावर्स ऑफ एम एल टी। तो पावर्स ऑफ एम एल टी रहेगा तो क्या होगा, लुकिए ये हो जाएगा। हाँ अब पावर्स कंपेयर कर लेते हैं, वेट। हाँ एक्स की वैल्यू तो वन दिख रही है स्ट्रेट अवे, वन एक्स की वैल्यू वन दिख रही है, जस्ट सी एक्स की वैल्यू तो वन आ गई, ठीक है। और ये माइनस एक्स प्लस वाई जो है वो भी वन आ रहा है, और माइनस टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड उसकी वैल्यू माइनस टू आ रही है, एक्स की वैल्यू वन आ गई है, तो वाई की वैल्यू क्या आया, वाई की वैल्यू टू आ गई है, वन टू आ गई। जेड कितना बोला था तुमने, माइनस वन ना, चेक कर लेते एक बार, माइनस टू इंटू वन माइनस टू प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस टू, नहीं जेड की वैल्यू टू आ रही, वन टू टू आ रही, ठीक है ना, वन टू और टू आ रही है जेड की वैल्यू, ठीक है कि नहीं, आई थिंक ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, दैट इज पी रेज टू पावर वन, वेलोसिटी रेज टू पावर टू और टाइम रेज टू पावर टू, वो भी टू रहेगा, वन टू टू आ रहा है, ये आ रहा है फॉर्मूला। माइनस वन कैसे आ रहा था तुम्हारा, ठीक है ठीक है, कुछ हो गया होगा मिस्टेक, बट आपको मेथड समझ में आया ना आपको, एवरीबॉडी कर लेंगे ना आप लोग, आएगा तो कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं होमवर्क दे देता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ, थोड़ा आगे पढ़ाता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ पहले, ठीक है। जस्ट सी जस्ट नोट डाउन वन होमवर्क, ऐसे ही दे देता हूँ छोटा सा एक होमवर्क। इफ एनर्जी ई, इफ एनर्जी ई वेलोसिटी वी, वेलोसिटी वी एंड फोर्स एफ, and force F are taken as fundamental quantity, are taken as fundamental quantity, इनको fundamental है नहीं, assume किया है fundamental quantity, ठीक है। Find formula of mass, formula of mass, mass चाहिए, mass m। तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट कर दे रहा हूं, आप घर पे कर लेंगे इसको, ठीक है। जैसे आप थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, मास रेज टू पावर ई, एंड ई फॉर एनर्जी, एस वी फॉर वेलोसिटी, वाई एंड फोर्स जेड। अब आप इसको घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका आंसर बता दूं क्या? नो सर, आंसर बता देते हैं, एक मिनट को, इसका आंसर क्या आएगा, दैट इज इसका आंसर आएगा, दैट इज हाँ मास इज, आंसर लिख दे रहा हूं इधर राइट में, मास इज प्रोपोर्शनल टू ई वन वेलोसिटी माइनस टू, बस यही आ रहा है, फोर्स नहीं आएगा इसमें। हाँ दिस इज आंसर, चेक करना तुम लोग आंसर, ठीक है। मैंने आंसर लिख दिया है, फोर्स नहीं आएगा उसमें, जीरो आ जाएगा जेड की वैल्यू, ठीक है। आप सॉल्व करेंगे तो जेड की वैल्यू जीरो आएगा, इज इट क्लियर। होमवर्क लेंगे आप लोग, ठीक है, आप लोग ही होमवर्क लेंगे, ठीक है, ओके। नाउ अब देखते हैं, जैसे हम लोग जरा एरर्स पे आते हैं, अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं, ये तो एक पार्ट हो गया, ओके। एक काम करते हैं, पहले सिग्निफिकेंट डिजिट्स पे आते हैं, वेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट नहीं आर्यन, आज बायोलॉजी लेक्चर नहीं है आपका, नो आज बायोलॉजी लेक्चर नहीं है ना आपका, नहीं है सर, नहीं आज नहीं आ रहे, नहीं कल है, कल है, कल, ओके।
टाइमिंग चेंज कर रहा हूं एक्चुअली रेसिपी में, नॉ सिग्निफिकेंट फिगर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लिया ना आप लोगों ने होमवर्क का? ओके, सी व्हाट आर इनमा सिग्निफिकेंट फिगर्स, ध्यान सुनो। सपोज कर लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, जस्ट हियर इज एनी ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट की तुमको दिया गया लेंथ मेजर करो, तुम्हारे पास स्केल भी है, तुमने स्केल लिया और इसकी लेंथ मेजर करना स्टार्ट किया, दिस इज अ स्केल, ठीक है, दिस इज अ स्केल, ये स्केल है, स्केल सेंटीमीटर्स में। अच्छा वही स्केल ले लेते हैं जो आपके कॉम्पास में रहता है, ठीक है। तो स्केल कैसा रहता है, लुकिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस इज 1, दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओके, दिस इज 2, नाउ अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दिस 3 सेंटीमीटर्स में, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से आ रहा है, दिस इज ए सेंटीमीटर, और ये जो है ना ये यहां पे आ रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है और दिस इज कमिंग हियर, तो इसकी लेंथ को आप बेटा क्या पढ़ेंगे, सोच के बताइए, देख के बताइए, ये ऑब्जेक्ट है इसकी लेंथ को क्या पढ़ेंगे, लेंथ इज व्हाट, 2.5 सेंटीमीटर, ओके, 2.5 सेंटीमीटर, लेकिन 5 से थोड़ा सा आगे आ रहा है, ये तो थोड़ा सा आगे आ रहा है 5 से, देखो ना 2.55, करेक्ट, तो देखो ये आगे आ रहा है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 5 और 6 के बीच में आ रहा है, तो आप लोग ऐसे केसेस में क्या करते हैं, आप लोग लिख देते हैं सर 2.55, ऐसे लिख देते हैं बहुत से बच्चे, लेकिन एक बात बताओ मुझे, क्या इसमें ऐसे प्रोविजन था, ये जो तुमने लास्ट में ये ऐड किया है, क्या वहां पे कुछ ऐसा प्रोविजन है क्या, नहीं ना, तो ये आपने जो